यहाँ रियल इस्टेट के डिफरेंट जो वो हाउसेज हैं उनकी एक कन्वेंशन है, मैंने उसको अटेंड किया और मैंने भी अपने जो पॉइंट्स हैं रखे कि रियल इस्टेट के लोगों को ये नहीं समझना चाहिए कि हमारी सरकार रियल इस्टेट के विरोधी है। हम सिर्फ ये चाहते हैं कि रियल इस्टेट के जो हाउसेज हैं वो जनता का ध्यान रखें, जो उनके कस्टमर होते हैं सबको जो कमिटमेंट हो उसके अनुसार समय से उनको पूरा करें, उनकी कमिटमेंट को पूरी करें। हमारी सिर्फ इतनी मंशा है और बिना रियल इस्टेट के खड़े हुए तो देश का निर्माण नहीं हो सकता, क्योंकि अफोर्डेबल हाउसेज चाहिए। तो बहुत अच्छी मीटिंग रही, आई एम वेरी हैप्पी। और हमने दिल्ली के हित में भी कि हमें जब यहाँ की झुग्गियों पे पक्का मकान बनाना है, ऐसे में हमको बहुत सारे रियल इस्टेट हाउसेस की ज़रूरत पड़ेगी, उनको हम इनवाइट करेंगे जो काम करने के लिए आगे आए और कमिटमेंट के साथ सही समय पे कस्टमर हमारे सही दाम पे उनको दे दें। तो इस हिसाब से हमारी ये मीटिंग बहुत अच्छी रही और मैं समझता हूँ इस कन्वेंशन का अच्छा रिजल्ट सामने देखने को मिलेगा। रिहैबिलिटेशन के बारे में बात हो रही है लेकिन दिल्ली में कई ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो 10 साल से लटके हुए हैं लेकिन अभी तक वहाँ कोई काम हुआ नहीं। देखिए, मैं जब से प्रेसिडेंट बना हूँ दिल्ली बीजेपी का, मैं दिल्ली के इश्यूज को जल्दी जल्दी टेकअप करना, उसमें जो प्रॉब्लम्स हैं उसको दूर करना। आपने देखा होगा एक वर्षों से 20 वर्षों से एक बात चल रही थी, लैंड पुलिंग बिल। हमने अपने इस आठ महीने के कार्यकाल में उसको पास कराया। उसके पास होने के बाद बहुत सारे घर बनेंगे जहां हमको कमिटेड हमारे एलजी साहब जो हैं जो रियल एस्टेट हाउसेज हैं उनकी जरूरत पड़ेगी। एलजी साहब भी बहुत अनुभवी हैं इसमें, या तो वो भी इसको प्रोत्साहन देंगे। हमने नहीं दिया, उन्होंने जब भी एलजी साहब के पास जब कोई प्रॉब्लम लेके जाते हैं। मैंने आज एक लाइन बोली कि कई चीज़ें तो ऐसी रुकी हुई थी कि पता नहीं जो पीछे सरकारें रही हैं वो उसको जानबूझ के लिंगर ऑन करके रखी हैं। हम उसको उन पॉलिसीज को सिंप्लीफाई भी कर रहे हैं और अब इनकी ज़रूरत पड़ेगी। बाकी हमारी जो सरकार की संस्थाएं हैं उनके साथ साथ इन लोगों की भी आवश्यकता होगी, ताकि लोगों का काम जल्दी से करना है क्योंकि घर ज़्यादा बनाने हैं, बनाने वाले लोग कम हैं। सर, दिल्ली में स्किल इंडिया को लेकर कुछ नए एफर्ट्स किए जा रहे हैं, कोई ऐसी प्लानिंग है? देखिए, आप उस प्लानिंग की गंभीरता इसी से समझ सकते हैं कि पहली बार स्किल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री ही बन गई, इस कौशल विकास मंत्रालय ही बन गया। तो आप हमारी गंभीरता को, प्रधानमंत्री जी के इनिशिएटिव को देख सकते हैं और हम लोगों को स्किल्ड करना चाहते हैं ताकि कम खर्चे में बेहतर काम हो सके और समयबद्ध सीमा में हो सके।